तो भाई लोग कैसे हो गए, आज की वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं iOS के अंदर जो लैग हो रहा है उसके बारे में। गाइस यहाँ पे जितने भी आईफोन या फिर आईपैड यूजर्स हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आईफोन में जब भी वो गेम खेलते हैं तो बहुत ही गंदा वाला लैग देखने को मिलता है उनको। एंड यहाँ पे मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए हैं बंदों के, और कुछ बंदे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे पास आईफोन 13 उसके बाद भी उनको लैग वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो गाइस ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी बढ़िया एंड ये कॉमन भी है, क्योंकि यार यहाँ पे BGMI खुद ही इतना प्रोमाइज नहीं है कि वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा लैग नहीं करना चाहिए जितने कि मेरे पे कमेंट आ रहे हैं। तो आज इसी का मैं सलूशन बताने वाला हूँ। मे बी आपकी डिवाइस में आप कुछ चीज़ें इग्नोर कर रहे हो क्योंकि डिवाइस प्रॉब्लम की वजह से भी लैग करता है। अब मायने नहीं रखता कि आपके पास आईफोन 13 है या 14 है, क्योंकि यार अगर आप लोग अपने डिवाइस को ध्यान नहीं दोगे, उसके ऊपर कुछ भी करोगे अंधाधुंध, आपको नहीं देखना कि वो हीट हो रहा है या उसकी स्टोरेज फुल हो रही है, तो यार वो तो दिक्कत देगी ही ना। मतलब कोई भी आप कोई सा भी डिवाइस ले लो, अगर आप उसके बिल्कुल गर्दन पे चढ़ के उसको यूज करोगे तो वो तो लैग करेगा ही यार, अब वो कितना बर्दाश्त कर पाएगा। तो भाई लोग आज के वाली वीडियो के अंदर मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों ने कुछ मिस्टेक कर रखी है अपने डिवाइस के अंदर तो उनको कैसे फिक्स करना है, एंड इसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। एंड अगर आपके डिवाइस की प्रॉब्लम की वजह से गेम लैग कर रहा है तो वो बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको वीडियो इन तक देखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब में आपको दोबारा सर्च ना करना पड़े कि हाउ टू फिक्स लैग इन iOS, तो ये वीडियो देख कर ही जाना, वरना मेरा क्या, मेरा तो सही है, तुम लोग अपना समझो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ जो लोग ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है स्टोरेज। गाइस यहाँ पे जो भी यूजर्स होते हैं डिवाइस अपना यूज करते रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उनकी स्टोरेज कितनी बढ़ गई। वो वीडियो बनाएंगे शादियों में एंड पार्टियों में, एंड उसके बाद फोटोज वगैरह भी बहुत खींचते हैं, डाउनलोड करते रहेंगे कुछ भी मूवीज वगैरह, एंड उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है वो होती है स्टोरेज की। उनको पता भी नहीं चलता और लाइक 1-3 GB अवेलेबल रहती है एंड उसके बाद गेम खेलते हैं, फिर उनको लगता है कि उनका डिवाइस हीट हो रहा है, लैग कर रहा है। तो होगा भाई, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपकी डिवाइस की स्टोरेज अगर भरी हुई है, आप जाइए स्टोरेज में सेटिंग के अंदर एंड वहाँ पे चेक करिए कि आपकी जो डिवाइस की स्टोरेज है वो कितनी है और कितनी ज़्यादा आपने उसको फ्री कर रखा है। अगर आपकी डिवाइस जो है 7 GB से कम फ्री है, मान लीजिए आपका फ़ोन 32 GB का है और आपने उसमें से ऑलरेडी 30 GB भर रखा है, तो ऐसा नहीं यार, अगर आप 2-3 GB स्पेस दोगे गेम मतलब डिवाइस को रन करने के लिए ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली। अब आप ही सोचो यार, अगर आपको कोई बिल्कुल सकरे कमरे में बैठ दे तो आपको कुछ भी करने में, हाथ वाथ हिलाने में दिक्कत तो होगी ही ना यार। जैसे आप टेम्पो में बैठ जाते हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो आप कैसे बैठ जाते हो, दिक्कत में ही तो बैठे रहते हो जब तक आप आ नहीं जाते हो जहां पर आपको जाना होता है। तो यही होता है डिवाइस के अंदर। आप लोगों को मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है स्टोरेज की वो 7 GB है, इससे कम आप लोग मत रखिए, कम से कम 7 GB फ्री अप होना चाहिए आपका आईफोन या आईपैड। अगर आपने इससे ज्यादा स्टोरेज भर रखी है तो लैग होना लाजमी है और वो जरूर से जरूर लैग होगा। तो ये मेरी चीज याद रखिए, आप कुछ भी करिए, कहीं भी डाटा ट्रांसफर करिए, लेकिन अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हो तो ये आपको करना पड़ेगा। एंड इसी की वजह से जो दूसरी प्रॉब्लम होती है हीटिंग, तो उसकी वजह से और ज्यादा ही मतलब BGMI जो आपका लैग करने लगता है, आप कोई भी गेम खेलते हो वो लैग जरूर करने लगेगा। एंड उसके बाद गाइस जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है हीटिंग। अभी जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये स्टोरेज से ही हीटिंग इशू मतलब उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। हीटिंग इशू कई वजह से हो सकता है, एक आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो, एंड दूसरा आपका जो वातावरण है जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस रूम में आप खेल रहे हो एंड जिस माहौल में आप हो, उसकी वजह से भी आपका जो डिवाइस है वो हीट हो सकता है। एंड जो दूसरा है वो है अगर आप चार्जिंग पे फोन लगा कर खेलते हो तो भी आपका डिवाइस हीट होगा। तो ऐसे में बहुत बंदे क्या करते हैं कि हीट होता रहता है फोन पर, वो खेलते रहते हैं, उनको इतनी ज़्यादा लत लगी है कि उनको गेम खेलना है, मोबाइल की चाहे गांड मर जाए भाई, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस ये चीज़ आपको नहीं करनी है। गाइस अगर आपका फ़ोन हीट होगा, आपका आईफोन अगर हीट हुआ गलती से भी, तो कुत्ते के माफिक लैग करेगा एंड इस लैग को कोई फिक्स नहीं कर सकता जबकि आप उसे कूल नहीं कर पाओगे। तो गाइस इसके लिए आपको मैं सिंपल सा एक टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप जो है जब भी गेम खेल रहे हो तो पहले यार फ़ोन को चार्ज कर लिया करो, उसके बाद गेम खेला करो, एंड जब बैटरी ख़त्म हो जाए तो फिर उसको चार्ज पे लगा दो और फिर गेम खेलो। कुछ लोग होते हैं यार, उनको इतना चरसा चढ़ा होता है ना कि वो गेम को चार्जिंग में लगा के ही खेलने लगते हैं। भाई हीट होगा फोन अगर आपके पास, अगर आपको ऐसा भी खेलना है तो आपको एक कूलिंग फैन लेना पड़ेगा। टेबल फैन में भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप उसके सामने रख लो, देन आप गेम खेलो, तो आपको कुछ अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। यार यहाँ पे जो बड़े गेमर्स
होते हैं, देखोगे आप उनको हमेशा देखोगे कि वो एसी वाले कमरे में बैठ के उसके बावजूद वो टेबल फैन रख के खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि उनका डिवाइस हीट ना हो। यार सबको पता है हीटिंग की वजह से सारी की सारी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको आपका डिवाइस हीट नहीं होने देना है। एंड इसके लिए मैं आपको कोई सेटिंग नहीं बताने वाला कि आप सेटिंग में जाइए ये सब कर लीजिए, क्योंकि सेटिंग से हीटिंग का कुछ नहीं हो सकता। आपको एक टेबल फैन लेना ही पड़ेगा। एंड बेस्ट टेबल बाय लिंक मैंने दे रखे हैं, आप जाकर के वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने टेबल फैन बताए वही लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो लीजिए, लेकिन उसके अंदर आपको आइडिया मिल जाएगा कि मोबाइल को कूल करने के लिए कौन सा जो फ़ैन है वो बेस्ट होता है। एंड उसके बाद गाइस जो तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है नेट लैग। आप लोगों को पता भी नहीं चलता है कि आपका डिवाइस किस वजह से लैग होता है। एक लैग होता है नेट लैग गाइस, अगर आपके डिवाइस में नेट मतलब प्रॉपर नहीं आ रहा है, अच्छी स्पीड नहीं आ रही है, आप किसी गंदे नेटवर्क से खेल रहे हो तो आपका डिवाइस वहाँ पे हल्का सा लैग करेगा, डीसिंग होगा, तो उसको आप लोग सोचते हो कि ये लैग हो रहा है। जो डीसिंग होता है कुछ बंदे उसको लैग समझ लेते हैं, और वो डीसिंग होता है ज़्यादातर नेट की वजह से होता है, एंड कुछ होता है बीजीएमआई की वजह से। तो आप लोग को रिकमेंड करूँगा मैं कि यार अच्छे नेटवर्क पे खेलो, मिनिमम आपका जो पिंग है वो 100 के नीचे होना चाहिए। अगर आप एक अच्छी गेमिंग करना चाहते हो, 100 भी नहीं होना चाहिए, 100 के नीचे होना चाहिए। मेरे ख्याल से 80 के नीचे अगर पिंग आ रहा है तो आपके गेम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एंड ये जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई है ना गाइस, इनको गौर से सुनिए। अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार फिर से रिपीट कर लो वीडियो को, एंड पुनः देख लो पूरी वीडियो को। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये सारा एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखो। मैं ऐसा कोई जादू टोना नहीं बता दूंगा कि दो नींबू काट के छत पर रख दो और आपका लैग ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपको बिना एक्सपेरिमेंट किए किसी भी चीज़ का हल नहीं मिलने वाला। दुनिया में जो भी आविष्कार हुए हैं वो एक्सपेरिमेंट करके ही हुए हैं। आप अगर एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना चाहते हो, सिर्फ बैठे बैठे बस कमेंट कर रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला भाई। आप लोग ये टिप्स एंड ट्रिक जितनी भी मैंने बताई अप्लाई करिएगा, एंड मे बी आप अपने फोन को बहुत ज्यादा केयर करिए, और जितनी भी चीजें मैंने बताई है इनमें से कुछ भी कमी नहीं आने देना। एंड उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपके डिवाइस की जो प्रॉब्लम है वो 90% बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। एंड 10% जो नहीं फिक्स होगी उसका मैं रीजन आपको क्लियरली बता देता हूं। यहां पे बीजीएमआई इतना घटिया परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि बीजीएमआई उसको सिर्फ पैसा लूटना है इंडिया से, ओनली पैसा। अभी आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि बीजीएमआई की फर्स्ट एनिवर्सरी चल रही है, एंड फर्स्ट यूनिवर्सिटी के अंदर इसने क्रिएट लाई है। और कौन सी क्रिएट लाई है? यूसी वाली, मतलब एक फ्री क्रिएट भी लाता तो ठीक था। यहाँ पे क्या मतलब है, जो बंदे बिना यूसी दिए गेम को मजे के लिए खेलते हैं क्या उनको यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है? मतलब बेंचों बिल्कुल से बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने गेम को। भाई सही बता रहा हूँ, मजबूरी है, पबजी की लत लगी हुई है और मुझे उससे कंटेंट मिलता है जिसकी वजह से मैं गेम खेलता हूँ, वरना मैं छोड़ देता है गेम खेलना। भाई ये बहुत ही हरामी हो गया, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा करना है, पैसा कमाना है, स्कैम करना है, प्लस स्कैमर्स को सपोर्ट करना है, मैं खुल के बोलता हूँ। तो गाइज अगर आप लोगों को ये सब करने के बाद भी यार अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं फिक्स होती है तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो कुछ करने वाले हैं वो हैं बीजीएमआई वाले, एंड उनको किसी की नहीं सुननी। बहुत बड़े यूट्यूबर्स जैसे प्रियांक हैं और एक दो यूट्यूबर्स और हैं जिन लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, बीजीएमआई वालों को बोला कि आप लोग गेम को इम्प्रूव करिए, लेकिन उनको नहीं, उनको क्रिएट इम्प्रूव करनी है। 10 यूसी को 60 यूसी करनी है, 70 को 170 करना है। भाई उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, तो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई है इससे आईओएस के अंदर 110% आपको असर जरूर दिखेगा, तो ट्राई जरूर करिएगा। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, एंड अगर नया हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, सपोर्ट करो यार, मुझे ज़रूरत है उसकी। बाय।